नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। स्टैटिक जीके का यह पहला वीडियो होने वाला है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, आज उनसे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। उनके महत्व और उनके इतिहास के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों, किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं उस देश के इतिहास और उनके भूगोल का परिचय देते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं उस शक्ति और गर्व को इंगित करते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह देखा जाता है कि किस तरह से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान द्वारा लोग प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, भारत विविधताओं से भरा देश है और कई सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो केवल भारत में देखने को मिलती हैं। लगभग हर तरह के से समृद्ध भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय प्राकृतिक और ऐतिहासिक तौर पर अन्य देशों से कितना आगे है तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, उनका महत्व और इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश है और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण अपनी विशिष्ट पहचान और विरासत के लिए भी जाना जाता है। भारत 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का उद्गम स्थल भी है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की पहचान बनाने, विविध संस्कृति को एक साथ लगाने और उन्हें एक तार में बांधने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की उदंतियों का जन्म स्थान, सबसे पुरानी सभ्यता में से एक और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच रखने वाला, अपनी विशिष्ट पहचान और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत विभिन्न धर्मों और संस्कृति का एक समूह है और यह विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक भारत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं तो दोस्तों, पहला हम बात करें अगर दोस्तों तो सबसे पहला है भारत का नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्रगान। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। भारतीय राष्ट्रीय गान विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है। राष्ट्रगान बजाने का समय लगभग 52 सेकंड है। दोस्तों, यह मूल रूप से बंगाली में भारत के पहले नोबल पुरस्कार विजेता, तो ये भी एक MCQ बन सकता है दोस्तों कि भारत के पहले नोबल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। यह मूल रूप से बंगाली में भारत के पहले नोबल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। तो एक MCQ आपको यहाँ भी मिल रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किस भारतीय द्वारा लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया है। जनगणमन का पहला संस्करण 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में गाया गया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट MCQ आपको मिल रहा है कि जनगणमन का पहला संस्करण 1911 में किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनगणमन का पहला संस्करण गाया गया। मूल गीत भारो भाग्यो विधाता एक ब्रह्म भजन है जिसमें 5 छंद हैं और केवल पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। इस गीत को पहली बार भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तो ये जो गीत है उसको पहली बार भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्मो समाज का आधिकारिक प्रकाशन था। इसे 24 जनवरी 1950 को नेशनल असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी संस्करण में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। तो इसे जो राष्ट्रीय गान है उसे 24 जनवरी 1950 को नेशनल असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी संस्करण में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय गीत के अनुमानित जो समय है वो 52 सेकंड है, जबकि सबसे छोटा संस्करण 20 सेकंड का है। गान केवल विशेष अवसरों पर ही गाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान का अर्थ स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि गीत भारत के शासकों की प्रशंसा करने के लिए लिखे गए हैं। अगर हम दोस्तों दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो है नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल यानी कि लोटस, कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलिम्बो न्यूसिफेरा गर्टन। तो एक MCQ आपको मिल सकता है दोस्तों कि लोटस का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नीलम्बो न्यूसिफेरा गर्टन है राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल का वैज्ञानिक नाम, जो भारतीय राष्ट्रीय फूल है। यह
एक पवित्र फूल है जो प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखता है। यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में पाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में पेश किया जाता है। कमल जो है दोस्तों, वो पवित्रता, धन और रोशनी का प्रतीक है। गंदे पानी में बढ़ने के बावजूद भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हमेशा शुद्ध और सुंदर रहता है। दोस्तों, सूर्यास्त के दौरान यह अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है और पानी के अंदर गहराई में चला जाता है, जबकि सूर्योदय के साथ या फिर बाहर खुल आता है। कमल न केवल अपने कलात्मक मूल्यों के लिए बल्कि अपने औषधीय, किफ़ायती और खाद्य मूल्यों के लिए भी श्रेष्ठ है। दोस्तों, अगर बात करें तीसरे नेशनल सिंबल की, तो है नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज एक स्वतंत्र देश का प्रतीक होता है। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो एक MCQ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिला दोस्तों आपको कि 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अगर दोस्तों आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज शीर्ष पर गहरे केसरिया का एक क्षैतिज तिरंगा है। सफ़ेद रंग मध्य और गहरे हल्के हरे रंग में बराबर अनुपात में नीचे होता है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात जो होता है दोस्तों, वो 2:3 होता है। जो अनुपात होता है तो 2:3 यानी 2:3 होता है ध्वज की चौड़ाई का अनुपात। सफ़ेद बैंड के केंद्र में एक नौसेना नीला पहिया है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर जो हैं वो पिंगली वेंकैया थे। तो एक इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे मिला दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे, तो पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। भारत का ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा की रक्षा करता है। निजी नागरिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए केवल भारत के राष्ट्रीय ध्वज की छवियों का उपयोग कर सकते हैं। अब इस ध्वज में जो रंग हैं उनके प्रतीकों को हम बात करें दोस्तों, तो भगवा रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में पहिया अशोक की सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। अगर हम दोस्तों चौथे नेशनल सिंबल की बात करें, तो है राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। भारतीय मोर यानी कि उसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है जिसमें पंख के आकार का शिखा, आँख के नीचे सफ़ेद पैच और लंबी पतली गर्दन होती है मोर की। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा दोस्तों एक सुंदर सा दृश्य। मोर भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और उसे अपनी सुंदरता, दिव्यता और पवित्रता के कारण भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपना नाम कमाया है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी अपने दिव्य और सांस्कृतिक मूल्य के लिए जाना जाता है। इसे 1 फरवरी 1963 को एक अच्छा सा MCQ यहाँ पे मिला दोस्तों आपको कि इसे 1 फरवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट नेशनल सिंबल की, तो है नेशनल ट्री यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद का पेड़ जिसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगलेसिस बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ की शाखा एक बड़े क्षेत्र में नए पेड़ों की तरह होती है। ये पेड़ दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में से एक हैं और 20 से 25 मीटर तक बढ़ते हैं और 100 मीटर तक फैली शाखाओं के साथ होते हैं। इसे हिंदू धर्म में पवित्र वृक्ष के रूप में भी माना जाता है और इसे भगवान शिव के महत्व के रूप में पूजा जाता है। तो पूछा सकता है दोस्तों कि बरगद के पेड़ को किन भगवान के महत्व के रूप में पूजा जाता है, तो बरगद का जो पेड़ होता है उसे भगवान शिव के महत्व के रूप में पूजा जाता है। कबीरवाड़ बड़ोदरा गुजरात के पास नर्मदा नदी पर एक छोटा सा द्वीप है और विशालकाय बरगद के पेड़ के कारण 307 एकड़ के क्षेत्र में लोकप्रिय है। जो 307 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसके कारण यह बहुत ही लोकप्रिय स्थान माना जाता है। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट नेशनल सिंबल की बात करें, तो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। जो राज्य प्रतीक अशोक की सारनाथ से राजधानी से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह राज्य प्रतीक अशोक की सारनाथ की शेर राजधानी से लिया गया है। मूल में 4 शेर हैं और पीठ के बल खड़े हैं। एक हाथी की उच्च राहत में मूर्तियों को ले जाने वाली तिकड़ी के साथ एक एबेकस का पर घुड़सवार, एक सरपट दौड़ते हुए घोड़े, एक बैल और एक शेर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में। जो घंटी के आकार वाले कमर पर हस्तक्षेप करने वाले पहियों द्वारा अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक।
जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजकीय प्रतीक में केवल 3 शेर दिखाई दे रहे थे, चौथा शेर नहीं दिखाई दे रहा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित लायन कैपिटल अशोका से अपनाया गया है, अपनाया गया महान प्रतीक है जो सत्यमेव जयते यानी सत्य अकेले विजय के आदर्श को दर्शाता है। लायन कैपिटल को दिसंबर 1947 में भारत की डोमिनियन के प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में अपनाया गया था। बाद में इसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक को कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट हम नेशनल सिंबल की बात करें तो है नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथा टाइग्रिस है। पैंथेरा टाइग्रिस रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम है जो आपके लिए एक बढ़िया सा एमसीक्यू बन के आ रहा है। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर को। भारत अब दुनिया में बाघों की लगभग 70% हिस्सा भारत में है। भारत की बाघों की जो आबादी है वो दुनिया की लगभग 70% हिस्सा भारत में है। भारत में राष्ट्रीय पशु टाइगर का शिकार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगर हम बात करें नर टाइगर की तो नर बाघों की जो होती है लंबाई वो 120 या 3.1 मीटर तक हो सकता है और वजन 550 पाउंड या 250 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा जो बाघ होते हैं वो 104 या 2.65 मीटर लंबाई इनकी होती है और 350 एलबी यानी कि 350 पाउंड या 160 किलोग्राम तक इनका वजन हो सकता है। अगर हम अगले नेशनल सिंबल की बात करें दोस्तों तो है नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष में लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत था। बंकिमचंद चट्टोपाध्याय की देशभक्ति उपन्यास आनंदमठ में कविता की विशेषताएं हैं जो 1880 से 1880 और 1882 के बीच बंगाली आवधिक बंगा दर्श एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुई थी। बंकिमचंद चट्टोपाध्याय की देशभक्ति उपन्यास आनंदमठ में कविता की विशेषताएं हैं जो 1880 और 1882 में के बीच बंगाली आवधिक बंगा दर्श एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों वंदे मातरम में ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ राजनीतिक जुलूसों में जनता को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना स्वर्गीय श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। वंदे मातरम ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ राजनीतिक जुलूसों में जनता को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है। इसे 24 जनवरी 1950 को नेशनल असेंबली द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया और 3 लोकप्रिय शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। इसमें जो 3 लोकप्रिय शब्द अर्थ हैं मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत की नेशनल असेंबली द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। अगर हम बात करें नेक्स्ट नेशनल सिंबल की तो नेशनल करेंसी यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया जो संकेत उसका है रुपया भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। प्रतीक आपको दिख रहा होगा दोस्तों देवगनामी रा और रोमन कैपिटल लेटर में आर का एक समामेलन है जिसमें 2 समांतर 36 पट्टियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें पूछा जा सकता है दोस्तों आपको एमसीक्यू में कि जो रुपए में 2 समांतर पट्टियां हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करते हैं और संकेत के बराबर भी हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इनकी 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया चिन्ह भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। तो रुपया चिन्ह कब अपनाया गया दोस्तों, तो 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह अपनाया गया। प्रतीक का डिजाइन और उदय कुमार द्वारा किया गया। प्रतीक का जो डिजाइन है वो उदय कुमार द्वारा किया गया जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के डिजाइनर में बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर हैं। अगर हम नेक्स्ट नेशनल सिंबल की बात करें दोस्तों तो है राष्ट्रीय खेल। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है क्योंकि इस खेल को अपनी अलग पहचान और रोमांच है। अगर हम बात करें हॉकी की तो हॉकी 1928 से 1956 से लोकप्रिय हुई क्योंकि भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले और ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीते।
आगे 1928 से 1956 से 1928 से 1956 में लोकप्रिय हुई क्योंकि भारत ने लगभग 24 ओलंपिक मैच खेले और ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी भारत का गौरव है क्योंकि इसे भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। मेजर ध्यानचंद जिसे द बिजार्ड भी कहा जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है आपको कि द बिजार्ड किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को। भारतीय खेल इतिहास के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक है। भारतीय खिलाड़ियों की क्षमता को हराने के लिए दुनिया भर में कोई प्रतियोगी नहीं थे। तो ये था दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन नेशनल सिंबल स्ट्रैटेजी के का पहला वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।